Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am AC Sevdisha Chauhan, a prop fin drama. So guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 स्टेप्स और की पॉइंट्स टू क्लियर योर ACCS स्किल लेवल एग्जाम्स. सो इफ यू इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. तो सबसे पहला और काफी जरूरी स्टेप है दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ योर एग्जाम. हर स्किल लेवल का पेपर जरूरी नहीं है सेम उसका पैटर्न हो, इन द सेंस कि सेम सेक्शंस आ रहे हैं, कि सिर्फ 3 सेक्शंस आ रहे हैं, 2 सेक्शंस आ रहे हैं, अलग हो सकता है. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जानो कि भाई आप जो पेपर दे रहे हो उसमें कितने सेक्शंस आएंगे, कितना वेटेज एमसीक्यू के लिए है, कितना यू नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज है. तो आप पैटर्न समझ रहे हो और आप सिलेबस भी पूरा समझ रहे हो, इन द सेंस कि आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली क्या क्या है चीजें एज पर दी यू नो सिलेबस जो आ रही हैं. एंड व्हेन यू आर स्टडीिंग आप टिक करके जाओ उनको, सो दैट यू नो दैट यू हैव कवर्ड द एंटायर सिलेबस बाय द end of it. Then point number 2 is that you should make a timetable. Yes, बहुत जरूरी है ये. You know, we think कि अरे अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, मैं सेप्टेम्बर सिटिंग में दे रहा हूँ या मैं डिसंबर सिटिंग में दे रहा हूँ, आई हैव प्लेंटी ऑफ वीक्स, प्लेंटी ऑफ मंथ्स. एंड हम जो है प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए टाइम टेबल जरूरी है. एक टाइम टेबल बनाओ कि किस वीक तक आप एम कर रहे हो आपका सारी स्टडी सेशंस खत्म हो जाएंगे, किस वीक आप रिवाइज करोगे, किस वीक आप क्वेश्चंस मॉक एग्जाम्स दोगे, ये सब आपको टाइम टेबल में डालना होगा और आपको उसको फॉलो करना होगा और देखना होगा कि क्या आप फॉलो कर पा रहे हो या फिर कुछ डिविएशन हो रहे हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ टाइम टेबल एंड यू स्टिक टू इट. Then step number 3 is that you start timely. This is not our school or college ki hum bhai ek hafta pehle padh rahe hain bas aur fir bhi clear kar jayenge exam. No, these exams require lot of dedication and practice. So make sure you're starting timely. Yani ki agar aap let's say September sitting de rahe ho to August mein agar aap start kar rahe ho then just August you know में तो बहुत ही कम chances होंगे that you might clear, especially अगर आपके और भी commitments हैं. और अगर आप एकदम ही बाय द एंड ऑफ इट स्टार्ट करने का प्लान करो लाइक मिड ऑगस्ट, तब तो आई रियली डाउट कि यू नो क्लियर करना पॉसिबल होगा. यू नीड टू स्टार्ट टाइमली, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. सितंबर का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप एटलीस्ट यू नो मिड जुलाई से, तो ये तो मिनिमम बता रही हूँ, ऑब्वियसली उससे जितना पहले आप करोगे बेटर है, बट एटलीस्ट उतना तो आपको तब तक तो आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के पास यू नो और कमिटमेंट्स है और बाकी काम कर रहा है तो उसको शायद और पहले स्टार्ट करना होगा क्योंकि वो यू नो उतना टाइम नहीं दे पाएगा पर डे. लेकिन किसी के पास लेट्स से कोई जॉब अभी नहीं कर रहा है या स्कूल या कॉलेज का उतना कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ एसी से कर रहा है, तो वो अगर लेट्स से मिड जुलाई से भी स्टार्ट करे तो उसके लिए फिर भी बहुत टाइम है पर डे बिकॉज ही कैन डेडिकेट मोर. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. Someone might take 4 or 6 weeks to complete the syllabus. Somebody might take 10 weeks. It all depends on आप और उसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए वो आप ही जज कर सकते हो बेस्ट. बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट टाइमली. देन नंबर 4th इज दैट यू मेक utmost use of all the resources at hand. If you are studying with us, that is FinTram Global, who's the gold approved ACCA learning partner, then you don't have to worry because we are providing you revision sessions, we are providing you sessions pure jo bhi syllabus hai uska, we are providing you question marathons. So aapko you know question ki bhi practice ho rahi hai, revision bhi pura ek bar mein ho raha hai, aur of course sare sessions to hain jinko aap dekh ke apne concept aur sab kuch samajh sakte ho. To aapko jo hai jo bhi रिसोर्सेज दी जाती हैं उनका आपको एटमोस्ट यूज करना है. मेक श्योर आप उनको यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो और क्वेश्चन मैराथन भी कर रहे हो. अगर आप ऐसे अपने आप पढ़ रहे हो या कहीं और से, तो आप जो भी फॉलो कर रहे हो बुक वगैरह, तो मेक श्योर आप यूज कर रहे हो उसको. यू आर मेकिंग द अटमोस्ट यूज ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एसी से बहुत सारी अपनी वेबसाइट पे यू नो टेक्निकल आर्टिकल्स देता है, एग्जामिनर रिपोर्ट देता है जो कि यू नो काफी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फ्रॉम स्किल लेवल आपको ये सारी चीजों को यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट. एंड अगेन इफ यू आर विद अस FinTram Global, हम लाइव इंटरक्टिव सेशन रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जहां हम ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स, टेक्निकल आर्टिकल जैसी चीजें कराते हैं. बट अगर आप खुद कर रहे हो देन मेक श्योर यू आर विजिटिंग द वेबसाइट एंड यूजिंग ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेस. देन द 5th स्टेप इज दैट यू आर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस. यस, इफ यू वांट टू क्लियर एनी एग्जाम यू कांट पिक एंड चूज, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो बिकॉज यू एंड आई आर नॉट डिसाइडिंग और मेकिंग द पेपर कि ये चीज आएगी नहीं आएगी, ये चीज अच्छी लग रही है.
तो हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है, राइट? तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा. सो मेक श्योर यू कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि थोड़ा एरियाज छोड़ देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, बट यू विल लूज आउट ऑन दोज मार्क्स एंड एवरी मार्क्स काउंट. बिकॉज सबसे पहले तो अगर आपको क्लियर करना है कोई एग्जाम, एम शुड ऑलवेज बी हायर. इट शुड नॉट जस्ट बी आई गेट 50 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है. नो, यू शुड ऑलवेज एम हायर, तब जाके आप ऐसा कोई स्कोर ला पाओगे कि एटलीस्ट आप क्लियर तो कर पाओ. ऑलराइट, देन सिक्स्थ स्टेप इज दैट यू शुड कीप इनफ टाइम फॉर रिविजन. यस, बच्चे सेशंस कर लेते हैं पर रिविजन के लिए टाइम नहीं रखते हैं. आपने कोई चीज वीक्स पहले पढ़ी है और अब आपको वो याद नहीं होगी. ऑब्वियसली बाय नेचर, ह्यूमन नेचर, जरूरी नहीं है कि हर चीज सबको याद रहे. सबका दिमाग अलग है, किसी को सब याद रहता है, कुछ लोगों की मेमोरी वीक होती है. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन के लिए अच्छे से टाइम रखो और रिवाइज करो. बहुत जरूरी है कि आप टाइम स्लॉट्स बनाओ, अपने खुद के थोड़े बहुत नोट्स बनाओ, रिवाइज करो उन्हें, एंड रिविजन के लिए आपको इनफ अमाउंट ऑफ टाइम जो है डेडिकेट करना होगा इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम. ऑलराइट, देन द सेवेंथ स्टेप इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इट डजंट मैटर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो या प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. खुद सॉल्व करना क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैन जस्ट लुकिंग एट द सोल्यूशन. हमें हमेशा लगता है कि अरे ये सोल्यूशन देख के समझ आ गया, बट अनलेस यू आर नॉट सॉल्विंग इट योर सेल्फ, द चांसेज आर कि आप बहुत यू नो एग्जाम में एक तो टाइम लगाओगे उसको सॉल्व करने में और गलतियां भी कर सकते हो, सिली मिस्टेक. सो इसलिए बेटर है अभी जितनी गलतियां कर लो उससे सीख लो. एग्जाम टाइम पे हम कोई गलती नहीं करेंगे. सो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट रियली मोटिवेट्स अस एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बटन ऑन. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, एट है दैट यू हैव टू गिव मॉक एग्जाम्स. अगेन, इफ यू आर विद अस फिनट्राम ग्लोबल, मॉक एग्जाम्स देते हो, यू नो जो टीचर है वो चेक करता है, अपना फीडबैक भी प्रोवाइड करता है. सो यू नो मॉक एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपको लगता है बिना मॉक एग्जाम दिए मैं आराम से क्लियर कर लूंगा, देन यू नो इट इज सॉर्ट ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज आपने उस में प्रैक्टिस नहीं किया है, उस टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस नहीं किया है. सो मॉक एग्जाम देना बहुत जरूरी है. आई वुड से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. सो कुछ भी हो मॉक एग्जाम तो जरूर देना, बिकॉज उससे आपको पता चल जाता है कि आपने कितना अभी मतलब आप कितने प्रिपेयर्ड हो और कितनी और चीजें आपको करनी जरूरी है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, अब जब मॉक एग्जाम दे दिया है, आपको अपना रिजल्ट आ गया है मॉक एग्जाम का, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या एरियाज हैं जहां आपको अभी फिर से प्रैक्टिस रिविजन की जरूरत है, जहां आपने पुअरली परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है. तो मॉक एग्जाम देके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, उससे सीख लेनी है सो दैट हम वो एग्जाम में गलतियां ना करें. तो जो मिस्टेक्स की हैं उस पर वर्क ऑन करना है, वो क्वेश्चंस को चाहो तो दोबारा सॉल्व करो, यू नो टू मेक श्योर कि आप समझ गए हो कि वो गलतियां क्या थी और आप उसको रिपीट ना करो. एंड द फाइनल स्टेप इज दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एग्जाम स्टडीज पीरियड में बहुत प्रेशर स्ट्रेस होता है, मैं खुद इससे गई गुजरी हूँ. यू नो आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस एंड आई नो बहुत टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है एंड कभी कभी उस वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है. एंड एग्जाम जब आप देने जाओ यू हैव टू बी हेल्दी. यू नो आप जब भी एग्जाम अपना अपीयर करो, अगर आपकी तबीयत खराब है देन आपकी परफॉर्मेंस पे वो असर आएगा. सो मेक श्योर योर ईटिंग हेल्दी, getting proper rest, exercising and keeping yourself fit, because वो बहुत जरूरी है आपके exam duration and final exam के लिए भी. So friends, these were few steps जो आप follow कर सकते हो and I'm sure they will help you to clear your skill level exams. All the best जब भी आप अपने exams दे रहे हो and I hope all of this helps. अगर कोई queries है you can comment down below. You know, you can reach out to us, you can visit our website, you can see demo sessions and you can become a part of, you know, FinTram Global, because like I said, we are giving you sessions, you know, question marathons, revisions and even mock exams, which is very necessary. I will see you soon in the next one. Till then, this is Disha Chauhan signing off.